हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं आपके साथ अफ़गानी प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने कॉटन का 2 मीटर फैब्रिक लिया है। इस प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी है, आप 10 मिनट में इसे इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को लेंथ में एक बार फोल्ड करेंगे, तो ये फोल्डेड वाली साइड नीचे की तरफ है। और अब इसको एक बार विड्थ में फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से ये फैब्रिक 4 लेयर में हो गया है। तो यहाँ पर पहले मैंने इसे लेंथ में फ़ोल्ड किया है और फिर विड्थ में। तो ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन वाली साइड सामने की तरफ है। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो देखिए यहाँ पर लेंथ है 39.5 इंच। ऊपर से बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर बेल्ट के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे। इन निशानों को स्केल की मदद से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस निशान से नीचे प्लाजो की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो जितने भी आपको लेंथ रखनी हो उसमें से आधा इंच कम करके लेंगे। तो यहाँ पर मुझे लेंथ रखनी है 38 इंच और यहाँ पर आ रहा 37.5 इंच, तो ये हम पूरा ही रख लेंगे। अब यहाँ से कमर के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर हिप राउंड लेंगे। तो जो भी आपका हिप राउंड होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2.5 से 3 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ पर हिप राउंड है 38 इंच, उसका चौथा भाग हुआ 9.5 इंच और उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे तो होगा 12 इंच। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है। अब इस निशान से नीचे क्रॉच लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉच लेंथ भी लेंगे 12 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को भी स्केल की मदद से मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस निशान से बाहर की तरफ 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों निशानों को भी मिला लेंगे। अब यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए क्रॉच का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मोरी के लिए मार्किंग करेंगे, तो जितनी भी मोरी आपको रखनी है उसका डबल करके लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच पर मार्क किया है। अब आसन के पॉइंट को मोरी के पॉइंट से मिला लेंगे। यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो गई है, इसी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम साइड में कर लेंगे और नीचे से जॉइंट वाला पार्ट है इसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट अलग हो गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो यहाँ पर 2 लेयर को खोल लेंगे। दोनों फैब्रिक की सीधी वाली साइड अंदर की तरफ मैच करते हुए रहेगी और दोनों तरफ के आसन पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ के आसन पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सेंटर से पकड़ेंगे और इस तरीके से खोल कर रखेंगे। इसके बाद हम इसके बेल्ट को फोल्ड करेंगे। बेल्ट के लिए 2 इंच पर मार्क किया था, तो वहीं से इसे डबल फोल्ड करेंगे। तो इसे एक बार मशीन पर देख लेते हैं। यहाँ पर पहले 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे और फिर 1.5 इंच का फोल्ड करेंगे। इस तरीके से 2 इंच का फोल्ड करते हुए किनारे पर सिलाई लगाकर बेल्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर 2 से 3 इंच का गैप रखेंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो इलास्टिक इसमें हम बाद में डालेंगे, अभी हम इसकी मोरी तैयार कर लेते हैं। तो ये फैब्रिक की राइट वाली साइड है, इस पर हम प्लेट्स बनाएंगे। साइड से 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी प्लेट्स बना रही हूँ 1/2 इंच की। आप चाहें तो यहाँ पर बॉक्स प्लेट भी बना सकते हैं। इस तरफ भी 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए प्लेट्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मोरी तैयार कर ली है प्लेट्स लेकर, इसी तरीके से हम दूसरी मोरी भी तैयार कर लेंगे। मोरी के लिए 14 इंच पर मार्क किया था, तो ये बराबर 14 इंच ही आ रहा है। अब इसके लिए बॉटम पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ले ली है, इसकी लंबाई मोरी के बराबर ही है 14 इंच और इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच। एक तरफ से 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 1 इंच चौड़ी पेस्टिंग पेपर को मैंने इस पर पेस्ट कर लिया है और साइड से जो मार्जिन है उसे आयरन करके फोल्ड कर लिया है। पट्टी को मोरी के नीचे की तरफ रखेंगे रॉन्ग साइड पर और फिर इसे सीधी सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। पट्टी को अटैच करने के बाद इसे हम राइट साइड में टर्न कर लेंगे, तो ये पेस्टिंग वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ आएगा और जो सिलाई हमने लगाई है उसी के ऊपर ये पट्टी फोल्ड होगी। तो हम नॉर्मली ऐसे भी सिलाई लगा सकते हैं या इसके ऊपर हम ग्लेस लगा सकते हैं।
चाहे तो आप ऊपर से लेस लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से अंदर की तरफ से। तो यहाँ पर मैं लेस को अंदर की तरफ थोड़ा सा दबाते हुए लगा रही हूँ। यहाँ पर ये मोरी तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी मोरी को भी तैयार कर लेंगे। लेस लगाने के बाद मोरी का लुक कुछ इस तरीके से आया है। अब इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और जितने भी मोरी तैयार रखनी है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर मार्क किया है। साइड से दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए रखेंगे और 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इनर लेग की सिलाई लगा लेंगे। इनर लेग की सिलाई लगाने के बाद बेल्ट में इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। बेल्ट फोल्ड करते समय यहाँ पर मैंने गैप रखा था इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए, तो इसमें अब हम इलास्टिक को डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ा इलास्टिक ले लिया है और इसकी लंबाई है 26 इंच। जितने भी आपकी कमर की साइज होगी उससे 3 से 4 इंच कम हमें इलास्टिक लेना है। पिन की हेल्प से इलास्टिक को एक तरफ से इंसर्ट करेंगे और दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद इलास्टिक के दोनों सिरों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों सिरों को मिलाते हुए इस पर 3 से 4 बार सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। इलास्टिक पर सिलाई लगाने के बाद इसको बेल्ट के अंदर की तरफ करेंगे और जहां पर हमने गैप रखा था उस पर सिलाई लगा लेंगे। अब इलास्टिक को फैब्रिक के अकॉर्डिंग 5 से 6 बार स्ट्रेच कर लेंगे और फिर इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। इस प्लाजो के साथ मैंने लॉन्ग कुर्ती बनाई है अस्तर वाली, उसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेंटर की सिलाई लगाते हुए भी इलास्टिक को खींच के रखना है, इससे इलास्टिक पलटेगा नहीं। इसी के साथ प्लाजो बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।